Welcome to my channel. Let us do now the applications of HCF and LCM. Now here we have one statement. A sweet seller has 420 kaju barfi and 130 badam barfi, right? A sweet seller has 420 kaju barfi and 130 badam barfi. She wants to stack them in such a way that each stack has same number, right? She wants to stack them in such a way that each stack has same numbers and they take up the least area of the tray. What is the number of barfis that can be placed each stack for this purpose, right? So, dekho, aapke paas ek tray hai aur aapke paas 420 kaju barfi hai, 130 aapke paas badam barfi hai. आपने इसको ट्रे में इस तरह से लगाना है कि हर एक स्टैक मींस हर एक कॉलम या फिर रो, एक चीज़ लेनी है आपने, ई स्टैक हैज़ सेम नंबर. मींस अगर आप यहाँ पे काजू की बर्फ़ी लगा रहे हो और यहाँ पे बादाम की बर्फ़ी लगा रहे हो तो उनका कॉलम नंबर सेम होना चाहिए, राइट? और एंड टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे. ट्रे का ज़्यादा से ज़्यादा कवर उन्होंने कवर करना है. इस तरह से लगानी है बर्फ़ी, राइट? लाइक अगर मेरे पास कोई ट्रे है, ये मैंने सारी लगा दी काजू वाली बर्फ़ी और ये मैंने सारी लगा दी बादाम की बर्फ़ी. अब ये सारा एरिया तो खाली बच गया, ठीक है? तो हमने इस तरह से इसको कवर करना है कि बर्फ़ी इस तरह से लगाई जानी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हमारा कवर होगा. तो हम ये बताएंगे कि एक लाइन में कितनी बर्फ़ीज़ आएंगी, एक लाइन में, एक रो या एक कॉलम में कितनी बर्फीज आप लगाओगे, राइट? अब देखो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो अगर आप सारी बर्फी एक ही लाइन में लगा देते हो, 130 की 130 और दूसरी 420 भी लगाते हो एक ही लाइन में, तो क्या वो ज़्यादा एरिया कवर करेगी ट्रे का? नहीं करेगी ना. देखो, अगर ये मेरे पास ट्रे है, चलो मान लो मैंने 100 बर्फीज़ लगाई, 1 2 3 अप टू सो ऑन 100. अब 30 बच गई, कैसे एडजस्ट करोगे? नहीं एडजस्ट होगी ना, ठीक है? सिमिलरली अगर मैंने 10 बर्फीज़ लगाई, 10 लगाई काजू की, 10 लगाई मैंने बादाम की, ठीक है? फिर 10 मैंने लगाई काजू की, फिर मैंने 10 लगाई बादाम की. इट मीन्स जो भी आप अरेंजमेंट कर रहे हो, ठीक है, बर्फीज़ का, 420 और 130 बर्फीज़ का जो भी अरेंजमेंट कर रहे हो, उसका हम एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे? एलसीएम जो हमें होता है, एक बड़ी क्वांटिटी देता है, मैक्सिमम नंबर्स देता है. एचसीएफ हमें एक छोटा फैक्टर देता है, ठीक है? तो हम यहाँ पर एक छोटा फैक्टर निकालना है. स्टेटमेंट देख के आपको क्लियर होगा, वहाँ पर मैंशन नहीं किया होगा कि आपने एचसीएम निकालना है या एलसीएम. आप खुद का दिमाग लगा के आपने देखना है, क्योंकि 130 बर्फीज़ हैं, 420 हैं. अगर आप मिनिमम नंबर भी लो ना इसमें से, 130 से कम का अरेंजमेंट ही बनाना आपने. जो भी आप रो बनाओगे उसमें 130 से कम बर्फियाँ ही लगेंगी, और जब 130 से कम लगाओगे बर्फीज़ तो आप क्या निकालोगे वहाँ पे? एचसीएफ निकालोगे, राइट? तो एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ इज़ 420, 130, 130 वन्स आर 2, 3 पे जाएगा, 30, 33 आर 9 एंड 390, 130, 134s are 120, 10, 30, 3s are 30. So your HCF is 10. So we will find the HCF of 420 and 130, which is equal to 10. So number of barfis of each kind in one stack is 10. 10-10 की आप pairing करोगे बर्फीज की, और आप उससे least area cover कर सकते हो. least का मतलब यहाँ पे कम नहीं लेना, ज़्यादा से ज़्यादा area आप cover कर सकते हो, right? Come to the next question. Any contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade, right? Like these are the 32 members, these are the 32 members,
एंड दीज आर द 616 मेंबर्स. ये सारे परेड कर रहे हैं, ये पीछे ये परेड कर रहे हैं और ये इनके पीछे मार्च कर रहे हैं. नाउ द क्वेश्चन इज टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन अ परेड राइट सेम नंबर ऑफ कॉलम. अब आपने यहाँ पे इनके दो ग्रुप्स बनाने हैं, एक तो 32 बैंड वाले हैं और 616 परेड वाले हैं. इनके दो ग्रुप्स बनाने हैं सच एट द इन ईच ग्रुप दे हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च राइट. अब देख लो, खुद बता दो क्या आएगा. HCF आएगा, LCM आएगा. ऑब्वियस है HCF आएगा बिकॉज अगर आपके पास नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च इन टू ग्रुप्स इज इक्वल टू HCF ऑफ 32 एंड 616. नाउ सी, अब देखो 32 और 616, एक ये हमारे पास परेड वाले हैं और ये हमारे पास मार्च पास्ट वाले हैं. तो अब देखो इसके हमने दो ग्रुप्स बनाने हैं, इस तरह से दो ग्रुप्स बनाने हैं कि उनके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं दैट शुड बी इक्वल. तो आप एक कॉलम में कितने मैक्सिमम आर्मीज वाले डालोगे, कितने डालोगे मैक्सिमम्स. देखो अब देखो 32 से तो कम ही डालेंगे ना, ऑब्वियस है. कभी आप 10 ट्राई करोगे, कभी आप नंबर 10 ट्राई करोगे, कभी आप नंबर 7 करोगे, कभी आप नंबर 8 करोगे, 9, 5 भी कर सकते हो, कि इक्वल कॉलम बनने चाहिए और सारे कैंडिडेट उसमें कवर होने चाहिए राइट. अब देखो आंसर तो हमारा 32 से कम ही आना है, लेस ही आना है, ग्रेटर तो नहीं आएगा. इट मीन्स हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, HCF ऑफ 32 एंड 616 विच इज़ इक्वल टू 8 राइट. सो HCF ऑफ 32 एंड 616 इज 8, या फाइंड कर लेना. देयरफोर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 8 राइट. सो नेक्स्ट